प्रभु यीशु मसीह के प्यारे संतों, आप सभी को पवित्र और प्रेमी नाम प्रभु यीशु मसीह में पवित्र चुम्बन से नमस्कार। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट आई ग्रीट यू ऑल ऑफ लिसनर्स। आइए आज हम एक ऐसे विषय की ओर चलते हैं जिसको हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं, बचपन से, चाइल्डहुड से हमने इस विषय को सुना है, जो ये प्रेतों के काम पहले अध्याय में पाया जाता है। प्रेतों के काम पहला अध्याय और उसका 13वां और 14वां पद ऐसा लिखा हुआ है, जब वे वहां पहुंचे तो उस अटारी पर गए जहां पतरस और यूहन्ना और याकूब और अंद्रयास और फिलिपुस और थोमा और बर्तुलमै और मत्ती और हलफई का पुत्र याकूब और शमौन जेलोतेस और याकूब का पुत्र यहूदा रहते थे। ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित होकर प्रार्थना में लगे रहे। They were together praying एंड वर्शिपिंग। यहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि वो प्रार्थना में लगे रहते थे और ऊपरी वाली कोठरी में रहते थे। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं, I have one question raised in my mind that did the Holy Spirit come from heaven in upper room? एक सवाल है कि क्या उस उपरोस्थी कोठरी में ही पवित्र आत्मा का अवतरण हुआ था, क्योंकि यहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि वे प्रार्थना करते रहते थे और वहां इकट्ठे होकर के स्तुति और आराधना करते थे। लेकिन हम यहां पर एक बात पाते हैं कि देखिए, जो लूका रचित सुसमाचार 24वें अध्याय के 51 से लेकर के 53वें पद में भी ऐसा लिखा हुआ है, और उन्हें आशीष देते हुए वे उनसे अलग हो गया और स्वर्ग पर उठा लिया गया। तब वे उसको दंडवत करके बड़े आनंद से यरूशलेम को लौट गए और वे लगातार मंदिर में उपस्थित होकर परमेश्वर की स्तुति किया करते थे। मंदिर में होकर परमेश्वर की स्तुति किया करते थे। They were together, this means temple of God most high and praising and worshiping every day. I want to tell you one thing, not only a single time, but they always time praying and worshiping in the temple of God most high. और यहाँ हम प्रेरितों के काम के पहले अध्याय में हम पाते हैं कि वहाँ ऊपरोठी कोठरी में भी वो प्रार्थना करते रहते थे, उपवास सहित वो प्रार्थना करते थे। लेकिन हम पाते हैं कि हमेशा से हमने सुना है कि पवित्र आत्मा उस उपरोठी कोठरी में लोगों के ऊपर उतर आया। ऑलवेज टाइम हम हमेशा से और पास्टर सेइंग टू होली स्पिरिट कम फ्रॉम हेवन इन द अपर रूम अवर नेवर आल्सो सीट अवर फादर एंड मदर सीट ऑलवेज टाइम लर्निंग अबाउट द होली घोस्ट। होली घोस्ट कम डाउन फ्रॉम हेवन इन अपर रूम। पर यहां मैंने आपसे सवाल किया कि क्या पवित्र आत्मा उस उपरोठी कोठरी में ही उतरा था, क्योंकि हम यहाँ पर पाते हैं प्रिय मित्रों कि यहाँ दो बातें पाई जाती हैं कि जब वो यरूशलेम में आए हुए हैं, खुदाबंद से बात करके जब खुदाबंद आसमान पर उठा लिया गया तो वो लौट करके जब आए हैं तो खुदाबंद यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तुम्हें 10 दिन तक ठहरे रहना है और प्रार्थना और उपवास करना है इसी शहर में, इन द सिटी ऑफ जेरूसलेम, दिस इज वेरी मस्ट टू स्टे देयर, वहां पर रहना है तुम्हें, ताकि मैंने जो तुमसे वादा किया है कि पिता तुम्हें पवित्र आत्मा से भरेगा, आग से भरेगा
वो पूरी हो सके। इसलिए यहाँ पर आते हैं और ये 120 लोग हैं, ये आराधना करते हैं। पर हम ये भी पाते हैं लूका रचित सुसमाचार में लिखा हुआ है कि वो लौट करके आए और मंदिर में प्रार्थना और हमेशा स्तुति करते थे। अब लूका रचित सुसमाचार ऐसा समाचार है कि ये हिस्टोरिकल है, इतिहासकार ने लिखा हुआ है और प्रियो इसका इनकार नहीं किया जा सकता है। हम पाते हैं कि मंदिर में वो लोग हर दिन प्रार्थना करते हैं, मंदिर में वो लोग हर दिन स्तुति करते हैं और शाम के समय जब आ जाते हैं तो उस उपरोठी कोठरी में स्तुति और आराधना करते रहते हैं। परंतु हम प्रेरितों के काम की पुस्तक के पहले अध्याय के 15वें और 16वें पद में जब पढ़ते हैं तो वहां ऐसा लिखा हुआ है, उन्हीं दिनों में पत्रस भाइयों के बीच में जो 120 व्यक्ति के लगभग थे खड़ा होकर कहने लगा, हे भाइयों, अवश्य था कि पवित्र शास्त्र का वह लेख पूरा हो जो पवित्र आत्मा ने दाऊद के मुख से यहूदा के विषय में जो यीशु के पकड़वाने वालों को अगवा था पहले से कहा था। पकड़वाने वालों का अगवा था पहले से कहा था, ये 15वें और 16वें वचन में ऐसा लिखा हुआ है। फिर से पढ़ दें क्या लिखा हुआ है, देखिए पहला अध्याय और प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 15वां और 16वां पद। उन्हीं दिनों में पत्रस भाइयों के बीच में जो 120 व्यक्ति के लगभग थे खड़ा होकर कहने लगा, हे भाइयों, अवश्य था कि पवित्र शास्त्र का वह लेख पूरा हो जो पवित्र आत्मा ने दाऊद के मुख से यहूदा के विषय में जो यीशु के पकड़वाने वालों का अगवा था पहले से कहा था। देखिए यहाँ ये 120 लोगों के बीच में जो बातचीत चल रही है, पत्रस टॉकिंग अबाउट जूदास, यहूदा के बारे में बातें कर रहा है, उनसे जो डिस्कस हो रहा है परमेश्वर की बातों में वो यहूदा के बारे में बता रहा है और ये बता रहा है कि ये पहले से ही तय था कि ऐसे व्यक्ति के बारे में परमेश्वर ने क्या कहा हुआ है। तो प्रियो यहाँ हम एक बात और पाते हैं जो भजन संहिता के 47वें अध्याय के 7वें पद में ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर समस्त पृथ्वी का राजा है, समझ बूझ कर भजन का, समझ बूझ कर। जब हम कहते हैं यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा, आई हैव डिसाइडेड आई फॉलो जीसस, नॉट टर्निंग बैक, दिस मीन्स अगर हम मुंह से ऐसा बोल रहे हैं तो हमें इस बात की जानकारी होना चाहिए, हमें एहसास होना चाहिए कि हम ये डिसीजन ले चुके हैं, आई हैव टेक फाइनल डिसीजन नॉट टर्निंग बैक। प्रभु के पीछे ही मुझे चलना है, ये हमारा डिसीजन हृदय की गहराइयों से होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि मुंह तो हमारा कुछ कह रहा है, हृदय कुछ कह रहा है। तो हम यहां पर पाते हैं कि हमें इस बात को ठीक से समझना है कि 120 लोग जो वहां पर मौजूद हैं, पत्रस उनसे किस बारे में बात कर रहा है। पत्रस पीटर Not talking about the Holy Ghost, यहां वो पवित्र आत्मा के बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा है, यहां वो बात कर रहा है उस यहूदा के बारे में जो इस दुनिया से विदा हो चुका था और उसकी जगह को भरने के लिए वहां डिस्कस हो रहा है कि जो खाली हो गई है उस जगह को हमें कैसे भरा जाए, इस बारे में वो वहां पर बातचीत कर रहा है। परंतु हम दूसरे अध्याय के पहले पद में जब लिखा हुआ है ऐसा लिखा हुआ है, पढ़ें क्या लिखा हुआ है, प्रिय तो काम उसका दूसरा अध्याय का पहला पद। जब पेंतिकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। जब पेंतिकुस्त का दिन आया, दे वेर गैदर वन प्लेस, ध्यान दीजिएगा मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं, आपका ध्यान में कहां ले जाना चाहता हूं। यहां पाते हैं पहले अध्याय में मामला फिनिश हो गया, उन्होंने
यहूदा की जगह मत्तियाह का चुनाव कर लिया और चुनाव करने के बाद में यह अध्याय खत्म हो जाता है। इस अध्याय में आगे कुछ नहीं है। इसका मतलब है कि ये सेवक लोग सारे काम को फिनिश कर चुके हैं, शायद रात हो चुकी है और शायद खाना पीना खा करके अब सोने चले गए। पर यहां पर जब दूसरा अध्याय शुरू हो रहा है तो लिखा हुआ है कि वो एक जगह पर इकट्ठा थे। अब ये कौन सी जगह थी प्रियो, कुछ नहीं बताया जा रहा है, लेकिन शायद ये किसी का घर ही था, क्योंकि आगे लिखा हुआ है, पढ़ें क्या लिखा हुआ है। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सनसनाहट का शब्द हुआ, बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। जहां वो बैठे थे गूंज गया सारा घर। दिस मीन्स यहाँ एक इंडिकेशन है कि वो बैठे तो हैं, लेकिन ये मंदिर में नहीं है, ये यरूशलेम के मंदिर में नहीं है, ये किसी ऐसे घर में बैठे हैं जहां शायद जगह बड़ी है। मैं आपको बता रहा हूं, उपरौठी कोठी में 120 आदमी ही बैठ पाता था, शायद 100 आदमी बैठ सकता था, इससे ज्यादा जगह नहीं थी। लेकिन आज जो घटना घट रही है, यहां हम पाते हैं कि जिस जगह वो बैठे हुए थे एक बड़े सनसनाहट का शब्द हुआ और जहां वो बैठे थे सारे के सारे लोग भर गए, क्योंकि पवित्र आत्मा का वचन ऐसा बताता है। दो अध्याय के दूसरे पद से लेकर के चौथे पद में ऐसा लिखा हुआ है, इसी प्रेरितों के काम की पुस्तक में दूसरा अध्याय दूसरे चौथे पद तक, एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सनसनाहट का शब्द हुआ, सडनली देयर वाज ए नॉइज फ्रॉम स्काई, अचानक, और फिर क्या हुआ, और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। और जहां वो बैठे हुए थे सारा घर गूंज गया। आई एम टॉकिंग अबाउट द होली घोस्ट गॉड रिटन इन द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 2:2-4। वो जगह भर गया जहां वो बैठे हुए थे और उन्हें आग सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, आग सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, जिस प्रकार आत्मा ने बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे, अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। दे बिगन टू स्ट्रेंज लैंग्वेज, this time filled of the Holy Spirit, पवित्र आत्मा की सामर्थ से यहां भर गए। लेकिन आप प्रियो देखिए, जैसे ही वो पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरे हैं, वैसे देखिए वहां पर होने क्या लग गया। आगे लिखा हुआ है, आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। जब ये शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। Everybody person listening, they are talking in my own language. There was gathering 16 countries people, 16 देशों के लोग वहां इकट्ठे थे, क्योंकि वो समय ऐसा था, दैट टाइम वाज द पेंटिकॉस्टल डे, इसलिए 16 राष्ट्रों से लोग वहां आए हुए थे। दिस मीन्स वहां हजारों लोग थे, और जब उन्होंने सुना कि ये क्या हो रहा है तो वहां सब वो लोग इकट्ठे हो गए, और इकट्ठे होकर के उन्होंने सुना कि अरे ये तो हमारी ही भाषा में बोल रहे हैं, जैसा हम हमारी भाषा है वैसे ही ये बोल रहे हैं। तो हम यहां पर पाते हैं कि देखिए यहां पर कौन कौन सी बात हो गई, गैदर ऑल इन वन प्लेस, और हम पाते हैं कि वहां 16 राष्ट्रों के लोग इकट्ठे हो गए, 16 नेशन से गैदर पीपल आर देयर, 16 राष्ट्रों के लोग वहां हुए और इकट्ठे होकर के
एक दूसरे की ओर मुंह ताकने लगे और हम पाते हैं कि ये 16 भाषाओं के जो लोग हैं, 16 देशों के जो लोग हैं, ये 9 पद से लेकर के 11 पद में पाया जाता है। और 41वें पद में देखिए क्या लिखा हुआ है, चैप्टर 2:41। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3,000 मनुष्य के लगभग उनमें मिल गए। और उसी दिन 3,000, इमीडिएटली दैट टाइम 3,000 पीपल टेक द बपतिस्म, 3,000 पीपल, दिस मीन्स 120 people before time and 3,000 gather to them. 3,120 लोग हो गए, this means 3,120 people. और हम पाते हैं कि उपरोठी कोठरी में, अपर रूम में ओनली 120 पीपल ही गैदर हो सकते थे, लेकिन यहाँ 3,120 लोग हो गए। इसका मतलब है कि ये जो जगह है ये कोई दूसरी जगह है, ये कोई शायद बहुत बड़ा हाल है, उपरोठी कोठरी नहीं है जहां ये आराधना करते हैं, जहां ये ठहरे हुए हैं, जहां शिष्य लोग हैं, माता मरियम हैं, दूसरी सेविकाएं हैं, वहां पर इकट्ठी हैं और वहां प्रेयर करती हैं, ये उपरोठी कोठरी में। लेकिन ये उपरोठी कोठरी में पवित्र आत्मा का अवतरण नहीं हुआ है, हम ये पाते हैं ये दूसरे स्थान में हुआ है, और वहां पर 3,000 लोगों ने खुदावन यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सब रिलीजियस टीचर्स सजेस्ट अस अबाउट टू क्राई क्राउड, दे वर सेइंग पॉसिबली 10,000 पीपल गेदर देयर, 10,000, दिस मींस बहुत बड़ा हाल है वो, अदरवाइज कैसे, हाउ इट्स पॉसिबल 10,000 पीपल आर गैदर्ड इन अपर रूम, ऊपर वाले कमरे में ये 10,000 लोग कैसे इकट्ठे हो सकते थे, ऊपरी वाली कोठरी में ये 3,120 लोग कैसे इकट्ठे हो सकते थे। इसका मतलब है ये कोई दूसरी जगह है, शायद ये कोई बड़ा हाल है, और शायद ये भी हो सकता है, मे बी पॉसिबल दिस place is the temple place, क्यों कि temple विशाल मंदिर है, temple is the great temple, there is the many porches, big porches, वहां बड़े बड़े हाल हैं, वहां लाखों की तादाद में आदमी जाता है, possibly शायद they gather in temple of Jerusalem। क्योंकि जब हम पहले पढ़ते हैं तो हमने पाया कि लूका भी इस बात की घोषणा करता है कि जब वो उस पर्वत से लौट करके आए जहां से खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर उठा लिया गया, वहां से लौट करके आए, हर दिन मंदिर में जाने लगे, हर दिन वहां स्तुति आराधना करने लगे, शाम होते ही उस जगह पर आ जाते थे जहां सिर्फ 120 लोग इकट्ठे होते हैं, वहाँ भोजन करते थे, वहाँ रहते थे, वहाँ टिके रहते थे, प्रार्थना उपवास में लगे रहते थे। लेकिन आज की घटना किसी बड़ी जगह पर है, और मैं शायद अगर मैं गलती ना करूँ तो ये जगह सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का भवन ही है, परमेश्वर की वो स्थान है, क्योंकि उस यरूशलेम में ऐसा कोई शायद जगह नहीं है जहां इतनी बड़ी जगह हो, पहली बार। सेकंड थिंग, ये जो 16 राष्ट्रों के लोग आए हैं, पीपल ऑफ 16 नेशंस गेदर ओनली टेंपल, इन द टेंपल, क्योंकि ये वर्शिपिंग के लिए आए, ये पेंटी कॉस्टल डे को मनाने के लिए आए हुए हैं, और ये 120 लोग जहां जमा हैं, यहां आने का इनको सवाल नहीं है, पूरी संभावना है
कि ये जो घटना घटी है यरूशलेम के मंदिर में घटी है, और यरूशलेम मंदिर में ही जो थियोलॉजियंस बता रहे हैं, बहुत सारे इतिहासकार बता रहे हैं कि सजेस्ट कर रहे हैं कि वहाँ 10,000 लोग इकट्ठे थे, गैदर देयर आर द 10,000 पीपल, 10,000 लोग वहाँ पर मौजूद थे। ये 100% ये जगह सिर्फ और सिर्फ पवित्र यरूशलेम का मंदिर ही हो सकता है। इसलिए मैंने सवाल किया, डिड द होली स्पिरिट कम फ्रॉम हेवन इन कपरनहूम। इसलिए मेरा सवाल था कि क्या उस उपरौठी कोठरी में पवित्र आत्मा उतरा। प्रियो, अगर उपरौठी कोठी में पवित्र आत्मा उतरा होता तो यह सिर्फ 120 लोग ही होते, और वहां से किसी को प्रचार करने का जगह भी ना होती, क्योंकि जिस तरीके से घटना घटी उस तरीके से सारा यरूशलेम घबरा गया और सब इकट्ठे हो गए। और इकट्ठे होने की एक ही जगह समझ में आती है, वो है टेम्पल आर द गॉड मोस्ट हाई। इसलिए प्रियो, मैं आपका ध्यान इसी ओर खींचना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा का पहला अवतरण है परमेश्वर के पवित्र मंदिर में ही हुआ है। पवित्र आत्मा द होली घोस्ट कम फ्रॉम हेवन अपान ऑफ द पीपल अपान ऑफ द अपोसल्स इन द प्लेस ऑफ टेम्पल ऑफ द गॉड मोस्ट हाई। सो आई वॉन्ट to meet again you. I am Reverend Thomas Massey, Bishop of the Victory in Christ Church, India. I will talk with you again. Till then, bye. God bless you.